पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की जानिब से सेव द रिपब्लिक मुहिम के तहत आने वाली 24 तारीख को महाराष्ट्र के मालेगांव में एक अजीमो शान कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की जा रही है। जी हां दोस्तों, 24 जून 2022 महाराष्ट्र के नासिक ज़िले के एक बड़ी मुस्लिम आबादी वाले कस्बे मालेगांव की तारीख का एक अजीम दिन होने वाला है। इस शहर को रियासत का टेक्सटाइल हब माना जाता है और यहां के मुसलमानों की एक लंबी तारीख रही है। यहां के लोग ज़्यादातर बुनकर और पावर लूम वर्कर्स हैं। इनमें से अक्सर वो मुसलमान हैं जो 1857 की गदर के बाद अंग्रेज़ों के जुल्म की वजह से यूपी और बिहार से अपना घर बार छोड़कर यहां आ बसे थे। मालेगांव की तारीख में एक सियाह दौर वो भी गुजरा है जब बाबरी मस्जिद की शहादत के वक्त में यहां मुस्लिम मुखालिफ फसादात भड़क उठे थे। इस शहर ने वो ज़माना भी देखा है जब हिंदुत्व जमातों के जरिए अंजाम दिए गए बम धमाकों में बेकसूर मुसलमानों को फंसाकर उन्हें सालों जेलों में रखा गया। ये वही मालेगांव हैं जहां के लोगों ने मुस्लिम मुखालिफ शहरियत कानून, 3 तलाक बिल, कर्नाटक में हिजाब बैन और त्रिपुरा में मस्जिदों पर हमले, हर एक हसास मौके पर इंसाफ के लिए अपने मजबूत कमिटमेंट का नमूना पेश किया है। इन मौक़ों पर होने वाले तमाम प्रोटेस्ट में मुस्लिम ख़वातीन ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और उन्होंने अपने घरों से निकलकर हाथों में प्लेकार्ड लिए हुए और ज़बानों से नारे बुलंद करते हुए ज़ालिमाना कार्रवाइयों के खिलाफ अपना एहतजाज दर्ज किया। पॉपुलर फ्रंट का मानना है कि इस तरह के जमहूरी मुजाहिरों का सियासी बदलाव लाने में बड़ा रोल होता है, लिहाजा मालेगांव के बहादुर शहरियों के लिए मालेगांव में होने जा रही पॉपुलर फ्रंट की अजीमोशान कॉन्फ्रेंस और पब्लिक मीट मुल्क की सबसे तेजी से तरक्की करने वाली नव सामाजिक कैडर बेस तहरीक पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को करीब से देखने, उसके साथ घुलने मिलने और अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए हिकमत अमली तैयार करने का एक सुनहरा मौका है। तो आइए हम सब मिलकर हिंदुत्व खतरे से मुल्क की जमहूरियत को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने का अज़्म करें और आने वाली 24 जून 2022 को मालेगांव के अजीज कल्लू स्टेडियम में शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक होने वाली इस अजीमो शान कॉन्फ्रेंस में ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शरीक होकर इसे कामयाब बनाएं।